आ गया जी सर्दियों की सौगात सरसों का साग प्योर पिंड का चुल्हे का तैयार करया जी। आ चेक कर लो भाजी देसी घ्यो आ गया टोटली समान आप ही तैयार कर दे। अच्छा जी सारा अचार तक भी आप समान तैयार होता। तो ये देखो जी सर के वाइफ यहाँ अंदर ही इन्होंने यहाँ स्टोव लगा रखा है। तो आ गया जी सरसों के साग की थाली कंप्लीट होगी। इस आ गई तीन मक्की की रोटियां। तो सरसों के साग और मक्की की रोटी की डिमांड तो यार पंजाब में पूरे साल रहती है, पर अब आ चुका है नवंबर और डिमांड होने लग गई है पूरी। इसलिए हम आए हैं भाई साहब यहाँ एक पंजाबी हस्बैंड वाइफ प्यारे से कपल पे, जो कि बहुत हार्ड वर्क करके यहाँ पे दे रहे हैं जी आपको सरसों का साग मक्की की रोटी और बहुत कुछ। तो चलो आपको मिलाते हैं और खाना दिखाते हैं। तो देखो जी ये है प्यारे हस्बैंड वाइफ की जोड़ी का सेटअप। तो ये बेसिकली छोटा हाथी है टेम्पू जो होता है और इसमें इन्होंने सेटअप लगा रखा है इसको खोल के साइड से, और इतनी सारी आइटम्स दे रहे हैं इतने कम रेट में, मैगी तक दे रहे हैं आपको यहाँ पे। तो चलो दिखाते हैं। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी। की नाम है जी ताडा? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है जी। अच्छा जी, तो भाजी तुम इतने की बेच रहे हो? अपने को बड़े कड़ी चौल राजमा चौल दाल रोटी सब्जी है परौंठे है साग मक्की की रोटी है जी। कितना टाइम हो गया सर तुम? मैंने साल हो गया भी। साल हो गया जी। दिखाओगे जी की होंगे एक बार चला के? लो जी ये अपनी काली दाल। अच्छा जी ये अपना कड़ी पकौड़ा जी। किस चीज़ का पकौड़ा होंगे सर? इस कोफ्ते होंगे जी, कड़ी कोफ्ते। अच्छा जी रहता है इन्हों ये बूंदी रहता होंगे जी? बूंदी रहता। ठीक है जी, देख लो भाजी कितना सोहना लग रहा रहता, क्वालिटी चेक करो इन्हां दे समान दी। सब्जी भी होंदी है सर तुहाडे कोल? सब्जी दाल सब्जी भी डेली चाहिए लोग गाजरां ने। जी सर्दियां दी स्पेशल आइटम दिखाओ जरा एक बार। ये साग है जी सर। आ गया जी सर्दियां दी सौगात सरसों दा साग। प्योर पिंड दा चुल्हे दा तैयार करया जी। चुल्हे दा तैयार करया? कित्थों लै के आंदे हो सर तुसीं ये? असीं पिंड तों आए जी, हमड़ा तों। हमड़ा पिंड तों? ते कितना टाइम लग जांदा इहनूं बणाउण च तुहानूं? यहाँ पे नॉर्मल गेहूं वाली रोटी है और अभी मैम लगा रहे हैं मक्की की रोटी जो हमारी सरसों की साग की थाली में लगने वाली है। तो आज ही वीर जी ने प्लेट लानी शुरू करती है साड़ी मक्की ते रोटी ते सरसों दे साग दी प्लेट। सब तो पहले आ गया जी सैलड मूली जो कि फ्रैश नाल दे नाल ही कटते हैं। तो इन्हों का यार समान इन्ना फ्रैश है तुम ये देख सकते हो नाल दे नाल ही प्रिपरेशन हो रहा है जिदा कि मैम अंदर रोटियां बना रहे हैं। ये अपना साग है जी। अच्छा जी। हाँ जी। ते सर बनाने के चो तुसी एच मतलब केड़े केड़े मसाले पाने हो? कोई मसाला नहीं पैंदा जी, एच सिंपल ही बनदा जी। सिंपल मसाला हुंदा है ते उत्ते पांदे तुसी देसी घी? हां जी। चेक कर लो भाजी देसी घ्यो आ गया उत्ते उत्तम ब्रांड दा। परांठे वगैरह भी हुंदे ने तुहाडे कोल? भी हुंदे जी, आलू प्याज दे परांठे हुंदे ने। अच्छा मतलब जेड़ा भी गाहक आएगा खुश होके जाएगा, बहुत समान है तुहाडे कोल है ना जी? बिल्कुल सर। तुसी पहले की करदे सी जी? पहले मैं जॉब करदा सीगा फाइव स्टार से। भी जॉब करदे सीगे? अपना सेटअप खोलण दा कित्थों आईडिया मिलिया जी? बस मैं अपना काम करना चाहिए कोई। लुधियाने वाले ने सानू सर वधिया रिस्पोंस दिता फिर? बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत वधिया रिस्पोंस। मतलब तुसी खुश हो लुधियाने वाले तो? चटनी है मेरे पुदीना हरी मिर्च। अच्छा जी। और धनिया टमाटर क्या भी सर तुसी घर ही बनाने हो? सारा टोटली समान आप ही तैयार कर दे। अच्छा जी सारा अचार तक भी आप दा समान तैयार हुंदा। अच्छा सारा कोई मसाले वाली चीज नहीं होगी। आ खुल गया जी चाटी दी लस्सी दा ड्रम। ये सर अपनी हैगी चाटी दी लस्सी। अच्छा जी। किन्ने रुपए दा ग्लास हुंदा वीर जी? 20 रुपए दा जी। 20 रुपए दा? हां जी। आ देख लो जी 20 रुपए का ग्लास है। तो वीर जी ने उत्ते तक पूरा भरता वा, तो बिल्कुल ठंडी होंगी है ना जी? बिल्कुल सर। क्या बात, ये सारा कुछ तुहाडे सामने लाइव प्रिपेयर करते हैं। जिहड़ी सब्जियां ने वो बन के आईयां होंदियां, बाकी जिहड़ी भी रोटियां हो गई मैगियां हो गई ये सारी तुहाडे सामने इत्थे लाइव प्रिपेयर तुहानू करके देणगे। तुसीं देख सकते हो बिल्कुल ही क्लीन सैटअप है इन्हां दा, ते किन्ने ही हार्ड वर्किंग कपल ने जी। तो जी आंटी इत्थे ला रहे ने मक्की दी रोटियां जो अपनी प्लेट च आणगियां, बिल्कुल ही सफाई नाल देख लो जी ला रहे ने जी अपनी सिंपल वाली थाली। आ किन्ने दी होंदी है वीर जी? ਇਵਰੇ 70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਰਹਿਤਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ 70 ਰੁਪਏ ਚ ਇੰਨੀ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਥਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਰੈਡੀ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਈਟਮਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਡੇਲੀ ਚੇਂਜ ਵੀਰੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਰਸੋਂ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ, ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਸਾਗ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਫਰੈਸ਼ ਸੈਲਡ, ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਠੰਡਾ ਰਾਇਤਾ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਦੀ ਥਾਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਚ ਆ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਬਸ। ਇਹਦਾ ਵੀਰੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਗਾ ਸਲਾਦ ਆ, ਰਾਇਤਾ ਆ, ਸਾਗ ਆ, ਤਿੰਨ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ? ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ 10:30-11 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਡੇਲੀ ਸਰ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ? ਲੋਕੇਸ਼ਨ BRS ਨਗਰ ਲੋਧੀ ਕਲੱਬ ਰੋਡ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਕਪਲ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਗ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। और सर पहले बता रहे थे फाइव स्टार होटल में शेफ से, तो आप सोच लो भाई खाना कितना बढ़िया होने वाला है। थाली का प्राइस ज़्यादा हाई नहीं है, मिड रेंज में है। 100 रुपये की थाली है, तीन रोटियां होती है इसमें मक्की की, साग होता है, रायता होता है, सैलड होता है, लस्सी अगर आप पीना चाहते हैं तो 20 का ग्लास अलग से है। तो चलो इसको करते हैं ट्राई, साथ में डालते हैं इसके ऊपर देसी घी। तो इसको लगाते हैं मक्की की रोटी में सरसों का साग और देते हैं इसको ट्राई।
बहुत बढ़िया साग जी यार, ज़्यादा कोई स्पाइस नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, बहुत हल्का जहा नमक रखे ताकि कोई भी खा सके। ते आगे जी दूजी बाइट, तो जी तुम भी थाली ट्राई करना चाहते हो, बाकी आइटम इन्हों को ट्राई करना चाहते हो, तो आना पेगा लोधी क्लब रोड BRS नगर लुधियाना। तद तक के लिए वादा करो, नशा ना पियो ना खाओ, रब राखा, चाओ।